लगेगी वो इंडस्ट्री। नहीं, कहां पर कोई जगह अभी एमओयू साइन हुआ है, और जो एमओयू तो होने के बाद जो बेसिक जो जब वो अप्लाई करेंगे आएंगे जहाँ चिन्हित करेंगे वहाँ पर ही जो है वो उद्योग जो है वो लगेगा जो वहाँ के लिए अनुकूल होगा। तो कितने लोगों को रोजगार मिल पाएगा? हमने तो कहा कि 80,000 करोड़ के माननीय मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये लक्ष्य रखा है। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के निकट झाड़माजरी M1 प्लाजा में HP एनर्जी सॉल्यूशन का शुभारंभ प्रदेश के पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किया। दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। यह एनर्जी कंपनी परमाणु के युवा उद्यमी मेलाराम धीमान ने स्थापित की है, जो कि पूरे हिमाचल में टेरामैक्स एनर्जी उत्पादों के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने लोगों को बताया कि आने वाला जमाना सौर ऊर्जा का है और ऊर्जा नवीनीकरण पर मंथन व चिंतन जरूरी है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के जरिए कार्यस्थलों एवं घरों के उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन के साथ साथ सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से हम विद्युत चालित ड्रायर, कुकर, भट्टी, रेफ्रिजरेटर और AC भी चला सकते हैं। कहाँ पर कोई जगह अभी MOU साइन हुआ है, और जो MOU तो होने के बाद जो बेसिक जो जब वो अप्लाई करेंगे आएंगे जहाँ चिन्हित करेंगे वहाँ पर ही जो है वो उद्योग जो है वो लगेगा जो वहाँ के लिए अनुकूल होगा। तो कितने लोगों को रोजगार मिल पाएगा? हमने तो कहा कि 80,000 करोड़ के माननीय मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि हम 80,000 करोड़ से ज़्यादा के MOU साइन करेंगे, और यहाँ पर जो निवेशक हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। नवंबर महीने में इन्वेस्टर मीट जो है धर्मशाला में होगी, और उसमें जो है वो जहाँ उनको हम सुनेंगे भी इस समस्याओं का भी समाधान करेंगे और उनको यहाँ के लिए आमंत्रित करेंगे ताकि यहाँ पर वो उद्योग यहाँ पर लगाएं ताकि हिमाचल के नौजवानों को रोजगार मिले। कृषि कार्यों में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हो रही है, जो भारत में परंपरागत तौर पर भारी मात्रा में बिजली की खपत की वजह है। कंपनी के संचालक मेलाराम धीमान व कुलदीप धीमान ने बताया कि यह सोलर नई तकनीक का है, जिसमें हवा से ठंडे गर्म कण लेकर ऊर्जा मिलेगी। वहीं स्ट्रीट लाइट की बैटरी भी पैनल के अंदर है, जिसमें चोरी की संभावना ना के बराबर है। इसके अलावा अगर 2 घंटे भी धूप निकल गई तो पूरा दिन सोलर काम कर देता है, जबकि अन्य सोलर ऐसा नहीं कर पाते। धीमान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा तकनीक कृषकीय उपकरणों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। सोलर फोटोवोल्टिक सेल सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में तब्दील करते हैं। MD श्री हरमेल धीमान जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि वह माननीय मुख्य अतिथि वीरेंद्र कंवर जी का मंच पर सह सम्मान स्वागत करें। मैं श्रीमती सोनू देवी, प्रधान ग्राम पंचायत बटोली कला का मंच पर स्वागत करती हूँ। सभी उपस्थित लोगों का हमारे उद्घाटन समारोह में स्वागत करती हूँ। HP एनर्जी सॉल्यूशंस ने टेरामैक्स इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कार्यालय का शुभ आरंभ बद्दी में किया है। यह पूरे हिमाचल प्रदेश को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा, आशा करती हूँ। अब मैं
श्री हरमेल जी को अनुरोध करती हूँ कि वह मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र कंवर जी को सम्मानित करें। वीरेंद्र कंवर जी ग्रामीण विकास मंत्री, उनका शॉल और टोपी पहनाकर स्वागत करेंगे। टेरामैक्स के जो डायरेक्टर है उनसे भी आग्रह, वो भी दीवान जी का सहयोग थे इसमें। स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में श्री अशोक शर्मा जी, सरकार की जो है वो ये रही है, तो मैं समझता हूँ कि इसका जो है वो लाभ होने वाला है। और हमारा ये जो क्षेत्र है, दूध क्षेत्र है, जो ये झाड़ माजरी क्षेत्र है, और वैसे भी ये हमारे हिमाचल प्रदेश का जो है, जैसे हम इस देश के अंदर हम पहले मुंबई को जो है वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम उसको माया नगरी कहते थे, तो यहाँ पर ये जो उद्योग यहाँ पर आया है, ये पूर्व में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे लिए औद्योगिक पैकेज जो था वो स्वीकृत हुआ था, जो 2002 से लेकर के 2013 तक चलना था, और उससे जो है वो करीब यहाँ पर जितना भी इंडस्ट्री यहाँ पर अपने क्षेत्र के अंदर आया, काला आम के अंदर आया, ऊना में, तालीवाल में आया, जितने भी हमारे सीमांत जिले हैं उसमें जितना भी जो है वो आया, तो उससे जो है जहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे, अगर हम इस देश के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, और वो बेकार था, उसको रोजगार नहीं था, लेकिन पहली बार किसी ने अगर सोचा तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे लिए जो है वो ये औद्योगिक पैकेज लेकर के आए थे, जिससे करीब 3 लाख से ज़्यादा नौजवान जो थे वो हमारे यहाँ पर जो है वो रोजगार के लिए यहाँ पर आए, उनको रोजगार मिला। बहुत सारे हमारे भाइयों को जो है वो इनडायरेक्ट रूप से जो है वो रोजगार मिला, और बहुत सारा जो है वो आज जो पैकेज जो हमारे 2013 तक चलना था, 2007 में ही जो है वो ये समाप्त हो गया जो है वो स्वीकार करने जाए, और उसके लिए उन्होंने जो है उसकी तैयारी इन्वेस्टर मीट से पहले, तो मैं समझता हूँ कि इसका जो है वो लाभ होने वाला है। और हमारा ये जो क्षेत्र है, दूध क्षेत्र है, जो ये झाड़ माजरी क्षेत्र है, और वैसे भी ये हमारे हिमाचल प्रदेश का जो है, जैसे हम इस देश के अंदर हम पहले मुंबई को जो है वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम उसको माया नगरी कहते थे, तो यहाँ पर ये जो उद्योग यहाँ पर आया है, ये पूर्व में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे लिए औद्योगिक पैकेज जो था वो स्वीकृत हुआ था, जो 2002 से लेकर के 2013 तक चलना था, और उससे जो है वो करीब यहाँ पर जितना भी इंडस्ट्री यहाँ पर अपने क्षेत्र के अंदर आया, काला आम के अंदर आया, ऊना में, तालीवाल में आया, जितने भी हमारे सीमांत जिले हैं उसमें जितना भी जो है वो आया, तो उससे जो है जहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे, अगर हम इस देश के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, और वो बेकार था, उसको रोजगार नहीं था, लेकिन पहली बार किसी ने अगर सोचा तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे लिए जो है वो ये औद्योगिक पैकेज लेकर के आए थे, जिससे करीब 3 लाख से ज़्यादा नौजवान जो थे वो हमारे यहाँ पर जो है वो रोजगार के लिए यहाँ पर आए, उनको रोजगार मिला। बहुत सारे हमारे भाइयों को जो है वो इनडायरेक्ट रूप से जो है वो रोजगार मिला, और बहुत सारा जो है वो आज जो पैकेज जो हमारे 2013 तक चलना था, 2007 में ही जो है वो ये समाप्त हो गया जो है वो स्वीकार करने जाए, और उसके लिए उन्होंने जो है उसकी तैयारी इन्वेस्टर मीट से पहले। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।